नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनएन न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। युवती की संदिग्ध मौत के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हुआ हंगामा। बताया जा रहा है कि 18 वर्षीय युवती एक नामी परिवार के यहां खाना बनाने का काम करने जाती थी, जिसकी मौत की खबर सबसे पहले उसके पिता को मिली। फोन करने वाले ने पिता को बताया कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब पिता अपनी बेटी को देखने उस नामी व्यक्ति के घर पहुंचा तो उसने पाया कि युवती सोफे पर पड़ी हुई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में लाया गया। परिसर में जमकर हंगामा हो रहा था, जिसका कारण उक्त व्यक्ति की गिरफ्तार की मांग थी। सूत्रों की माने तो युवती का बलात्कार होना बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि किसी ने भी नहीं की है। वहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि यदि युवती ने दूसरे नामी व्यक्ति के घर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी तो उसको फांसी से बिना पुलिस के संरक्षण में कैसे उतारा गया। वहीं देर शाम तक इस मामले में हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि अस्पताल परिसर में देखे गए। इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश भी की, जो हिंदूवादी संगठनों और पुलिस के अथक प्रयास के बाद बमुश्किल रोका गया। इस बीच कुछ लोगों के साथ मारपीट की भी खबरें सूत्रों के हवाले से आई। सूत्रों का कहना है कि युवती के साथ पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद उसको मारा गया, हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। वहीं पोस्टमार्टम के समय यह भी चेक नहीं किया गया कि युवती के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं। इन्हीं सब घमासान के बीच संदेह के आधार पर राजस्थान टायर के संस्थापक फहीम खान एवं उनकी पत्नी एवं उनके नौकर के खिलाफ धारा 302 एवं धारा 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इस मामले में कई सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये, जो लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि लड़की को करीब 1 महीने से ऊपर हो गया, उसे घर नहीं आने दिया। वहीं दूसरा सवाल यह कि यदि लड़की ने आत्महत्या की थी तो इसकी सूचना लड़की के पिता को देने की जगह पुलिस को क्यों नहीं दी गई? वहीं बिना पुलिस को इस लड़की के शव को कैसे उतार दिया गया? वहीं देखने लायक बात यह भी है कि राजस्थान टायर वाले के घर से पुलिस चौकी मात्र कुछ कदम की दूरी पर ही है, वहीं बिना पुलिस के लड़की के शव को कैसे उतार दिया गया? इन सभी सवालों की गुत्थी सुलझने में समय तो लगेगा, लेकिन देखने लायक होगा कि क्या पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच कर पाएगी और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनको कठोर दंड दे पाएगी। भाई साहब, मेरे को तो ये मेरे पास, मैं दूसरे घर काम कर रही थी, मेरी बच्ची गई थी मोबाइल देने के लिए, मेरे पास आया था, इनके पास आया था फोन। में तो काम कर रही थी, मैं दूसरी घर थी, इनके पास फोन आया था। जब पहुंच गए होंगे पहले तो इनको मैं तो मिली थी 10 मिनट बाद ही आ, 10 मिनट बाद में आई। बिना फोन कर रहा हूँ, तुम्हारी बच्ची में सो गो, मैं बेहराती बेहराती चिल्ला चिल्लाती मैं पहुँच गई। क्या हो गया था, मतलब क्या ऐसा ऐसा हो गया, क्या ऐसा हो गया था? कुछ नहीं भाव, तो भाई साहब बस काम करने गई थी। नहीं नहीं, आप जब वहाँ पहुँचे तो मतलब क्या देखा आपने, क्या हो गया था बच्ची को आपकी? कुछ नहीं हुआ भाई साहब, मुझे तुम्हारी मराई मिली थी, सोफे पे पड़ी थी। हम लेने जाते थे ना, तो वो जी कहने लगती थी फहीम भाई के घर से कि तुम बच्ची को यहीं रहने दो, हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, आज यहीं सो जाएगी। ठीक है, फिर भी हम छोड़ जाते थे। फिर हम दोबारा भी गए एक दो दो तीन बेर और भी फिरी, तो उनने भी यही कहा। और पर ये तो कल की बात है, कल भी हमने फोन पूछा मैं भाई बच्ची को कहीं आज मतालान लेने गई, वो यहीं सो जाएगी। कितने दिन से नहीं छोड़ा था घर पे? ये करीबन मैं आपको बताऊँ जी, रोज़ा चलती है ना, जब से वहीं थी वो रमजानों से। हाँ, रमजानों से। कौन बोलता था ये सब आपसे? वो उनकी, वो फहीम भाई के घर से बोलती थी, के साथ रहती थी। उस घर में महिलाएं भी रहती थी? हाँ, महिला है ना घरवाली। अभी जब ये हादसा हुआ था उस समय महिलाएं मौजूद थी घर में? हाँ मौजूद, बाहर खड़ी थी वो, मतलब लड़की ऐसी पड़ी थी और वो अलग खड़ी थी, सब वही उसी में रहती हैं। जो घटना हुई है इसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये एक इस प्रकार का घृणित कार्य है जिसकी हम शब्दों के द्वारा कोई व्याख्या या इसको कोई शब्द नहीं दे सकते। एक मासूम बच्ची जो उनके यहाँ सेवा का कार्य करती थी, केवट समाज की, उसकी लाश उस परिवार में मिली है। अब इसके बाद हमने यहाँ जो उपस्थित अधिकारी है उनसे
इनके ऊपर भी जो अधिकारी है, जिलाधीश, एसपी इत्यादि, सबको हम संज्ञान में ये बात लाए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए और उस पीड़ित परिवार का संरक्षण किया जाए। अभी तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मतलब नहीं, अभी एडिशनल ने मुझे बताया है कि हमने उसमें से एक अपराधी को तो अभी गिरफ्तार किया है, हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्यवाही अभी उस पर जारी है। इसमें प्रथम दृष्टि की हत्या है, आत्महत्या, आप लोगों से बात हुई? भाई ये पूरा जांच का विषय है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि वो बच्ची एक माह से उस घर में थी और वहीं काम करती थी उनके यहाँ। अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि उसके पिता का कहना है कि न वह रस्सी मिली, न कोई फंदे की ऐसी चीज़ मिली और लाश उसको नीचे रखी हुई मिली। आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार 50 कदम पर जब वहाँ पुलिस चौकी है, अगर इस तरह की कोई घटना भी थी तो तुरंत जाकर के पुलिस को सूचना करना चाहिए, उसके बाद लाश को उतारने की कार्यवाही होती तो उसके तथ्य कुछ और होते। किंतु जो लगता है प्रथम दृष्टा में, उसमें सब प्रकार से संदिग्ध बातें ध्यान में आती है। इसलिए नाम क्या क्या है, कौन कौन है? आरोपियों के अभी नाम ध्यान में नहीं आए हैं, कौन कौन आते हैं, किंतु चूंकि वो परिवार राजस्थान टायर वालों के नाम से सब लोग उसको जानते हैं, तो अब उसमें से देखते हैं कि परिवार के कौन कौन सदस्य इस काम में शामिल हैं। ये पुलिस के जांच का विषय है और हमें प्रशासन पर विश्वास है कि वो इसकी पूरी जांच करके और असलियत को सामने लाएंगे और जो इसमें दंडित होने वाले लोग हैं उनको उनके किए की सजा मिलेगी, इतना मैं मानता हूँ। फहीम खान के घर पर पार्टी मिली है और प्रथम दृष्टया तो जानकारी मिली है, फांसी लगाने से ऐसी जानकारी मिली है और मृतिका का पीएम डॉक्टर टीम द्वारा किया गया है और पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त की जा रही है और घटना के संबंध में अन्य जो तथ्य है उसको गंभीरता से और तत्परता से संकलित करेंगे और यथासंभव शीघ्र कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें घटना में शामिल होंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर सुसाइड नोट मिला क्या वो बच्ची के वहाँ पे? सुसाइड नोट अभी पुलिस की जानकारी में नहीं है, हो सकता इस बारे में। अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अभी आरोपी चूँकि अलग अलग टीमें रवाना की गई जांच के लिए, तो जब इकट्ठी हो जाएगी टीम तो हम सभी बिंदुओं पे आपको विस्तृत जानकारी। अभी जैसे कि भाजपा अध्यक्ष का कहना था कि एक आरोपी पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ये अभी इस बिंदु में मैं तस्दीक करके यही जानकारी बता पाऊंगा, क्योंकि बिना तस्दीक के जानकारी अभी किन धाराओं के साथ आपने हफ्ते खड़े थे अभी इसी अस्पताल परिसर में, उन लोगों का क्या हुआ, वो कौन थे ये इस बारे में कौन थे ये मुझे याद नहीं है अभी कौन थे नाम जन। सर वो कितने महीने से वहाँ काम कर रही थी बालिका, परिजन जो बता रहे हैं सर, इस तरह के लंबे समय से काम कर रही है लेकिन अभी डिटेल जानकारी है वो अभी हम आज ही ले लेंगे और उसमें उससे संबंधित जो भी पहलू है, जो भी तथ्य है, सब बिंदुओं की यथासंभव आज ही जानकारी ले लेंगे और साक्ष्य जो भी पाए जाते हैं। तो क्या मुलजिम फरार हुए हैं क्या सर? प्रथम दृष्टया कोई कार्रवाई की है अभी सर? मृतिका का पीएम हुआ है, मर्ग कायम करेंगे और मर्ग के बाद जो भी विधि सम्मत साक्ष्य है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर आरोपी के फरार हैं क्या अभी? अभी जिन युवकों के साथ अभी मारपीट की गई थी वो किस लिए की गई थी, इसी घटना से संबंधित थे वो दोनों युवक, उनका क्या हुआ? आरोपी के बारे में आपने पूछा है कि अभी मर्ग कायम हुए और मर्ग में पीएम रिपोर्ट लेंगे और पीएम रिपोर्ट में जो भी साक्ष्य आता है और जो तथ्य आते हैं उसके आधार पे एफआईआर होगी और उसमें कार्रवाई होगी। सेल्फी लेने के चक्कर में हुई एक युवक की दर्दनाक मौत। आरोन तहसील के बनवीर खेड़ी गांव में खाड़ी में जीप पलटने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम अंशुमन पटेल बताया जा रहा है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को आरोन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि युवक सेल्फी लेते हुए खाई में गाड़ी समेत गिर गया। Thank you.
आरोन से हमारे सहयोगी राकेश जैन की रिपोर्ट। अलीगढ़ से इंदौर की तरफ जा रहा ट्रक डुंगासरा के पास नीलकंठेश्वर मंदिर के सामने अनियंत्रित होकर रात को रेलिंग और पुलिया को तोड़ते हुए पलट गया, जिसमें क्लीनर एवं ड्राइवर बाल बाल बच गए। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। सरल सुविधा बिजली बिल माफी योजना का हुआ शुभारंभ। इसके तहत बीपीएल कार्डधारी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 30 जून तक के बिल माफ किए जाएंगे। साथ ही आने वाले समय में अगर इनकी बिजली का बिल 100 यूनिट बनता है तो इनका बिल मात्र 200 रुपए आएगा। इसके लिए बीपीएल कार्डधारी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अपने समस्त दस्तावेज विद्युत मंडल में जमा कराने होंगे। कल हुई बालिका की संदिग्ध मौत के बाद उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दल अपने प्रभाव को दर्शाते हुए पीड़ित परिवार को आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज गुना जिले के प्रभारी मंत्री जयवंत सिंह पवैया पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने। वहां पहुंचकर प्रभारी मंत्री जयवंत सिंह पवैया ने बताया कि दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है, शासकीय सहायता पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी। पर समस्या पर है कि क्या शासकीय सहायता उपलब्ध कराने के बाद पीड़ित परिवार को उसकी बेटी वापस मिल जाएगी। वहीं इस मामले में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पीड़ित परिवार को संबल प्रदान करने के लिए एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही। वहीं यह भी कहा कि इस मामले में कोई निर्दोष ना फंस जाए। आखिर क्यों करती हैं राजनीतिक पार्टियां इस तरह के परिवारों के साथ राजनीति? एक बार मेरे पास फोन आ गया, मेरी बच्ची थी छोटी भाई थी, फोन बताया पापा के फोन आ रहा है, नहीं रुकती बहुत कम, जब कभी रुकती जब रुकती थी वो फोन कर रही पापा मैं आ रहा हूँ, जैसे आने भी कर रही थी फोन तो पापा मैं आ रही थी बस काम मिल जाए। कल ये फोन आया मेरे पास कि वो तुम्हारी बच्ची ने फांसी लगा दी। परसों गई थी काम करने तो उसकी मिसेज ने नहीं आने कि जी आज नहीं जाएंगे, हम नहीं जा रहे, मेहमान आ रहा है। फिर परसों से वो सुबह आई थोड़ी जी वहाँ से मिलने, तो वहाँ से कहकर मैं जा रही है घंटा में खेल होगा ना मेहमान आ जा रही है, तो पापा पड़ी मेरी तो पापा से उठा के बाहर फटक गई। अभी तो रेड क्रॉस का जो अधिकार है उसको हम सबका आज भिजवा दें, आज ही भिजवा देंगे। मैं वहाँ मिलना चाहिए साहब गरीब हैं जैसे इनको चेयर के इनके नाम से इनके पिता के नाम से बाकी का क्या हो सकता है। मेरी मौज चली गई कि नहीं तो गरीब परिवार की एक बच्ची का चले जाना, लोगों का कहना ये भी है परिवार जनों का कि ये मामला आत्महत्या का नहीं है, संदिग्ध है। मैं परिवार को संवेदना और हिम्मत बंधाने के लिए आया हूँ, किसी तरह की कार्रवाई में पक्षपात की कोई संभावना नहीं रहेगी। बहुत स्पष्ट निर्देश हमारे कि कानून अपना काम इसमें करेगा, जो सही है वही होगा और गरीब परिवार से बिल्कुल न्याय होगा। और जिन पर संदेह है उनकी पृष्ठभूमि ठीक नहीं है तो उसके बारे में भी पुलिस देखेगी उनके पुराने रिकॉर्ड क्या हैं। आज तो
मैं केवल संवेदना देने के लिए आर्थिक सहायता आर्थिक परिवार में आया हूँ। फिलहाल मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि रेड क्रॉस से तत्काल मदद का चेक भेजें, तो फिलहाल 25,000 का चेक वो भेजेंगे जो अधिकारी हैं। बाकी का क्या क्या प्रोविज़न हो सकता है, क्योंकि मर्ग कायम यदि आत्महत्या के आधार पर हुआ है तो थोड़ा समय दूसरे प्रोविज़न में लग सकता है, लेकिन हम मदद करेंगे। एक लाचार गांव जिसमें बरसात में पानी से अपने बच्चों को बचाने के लिए झोपड़ियों पर डालने पड़ते हैं ओढ़ने एवं बिछाने के बिस्तर। खेजड़ा पंचायत का मोड़का गांव के पास बसा मोड़का चक, जिसे नटों का चक भी कहा जाता है, यहां पर रहते हैं नट, जो लोग बैंड बजाकर एवं उसकी आय से अपनों घरों में चूल्हे जलाते हैं। इसमें 40 परिवार के लगभग हैं। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए मांग कर रहे हैं, जिसमें सड़क, पानी, सर पर छत की मांग। बच्चों को पढ़ने जाने में गांव में भरा रहता है बरसात का पानी, जिससे बच्चों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। गांव में पीने के पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों में संतोष भाई नट, निशा, विद्या, सुगन, गायत्री, राम सिंह, फूलचंद, नरेश, मोहन आदि ने बताया कि हमारे घरों में छत तो दूर की बात है, कई घरों पर कबीलू तक नहीं। हमारी टूटी फूटी झोंपड़ियाँ कभी भी तेज बरसात होने पर ओढ़ने बिछाने के कपड़े डालना पड़ता है। खेजड़ा पंचायत के सरपंच संतोष भाई किरारपति भगवान सिंह किरार से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमने गांव में 70% तक सड़क डाल दी है, बचा हुआ कार्य जल्द ही पूरा कराएंगे, तथा पानी के लिए भी बोर कराए गए हैं, उनमें भी मोटर डाली जा चुकी है, लेकिन जल स्तर गिरने के कारण मोटर नहीं चल पा रही। एक आवास सहायता वा भी बन गया है। वहीं जनपद CEO सौरभ कुशवाहा ने गांव की बाकी सीसी सड़क को जल्द ही पूरा कराए जाने का वादा किया है, तथा पानी के लिए भी PHE विभाग को अवगत कराकर उचित कार्रवाई करने के आश्वासन भी दिया है। आवास की बात पर उन्होंने बताया कि यह कार्य वर्ष 2011 के सर्वे के आधार पर चल रहा है, आगामी समय में सर्वे में शामिल कर नाम बढ़ाए जाएंगे। धर्नादास है हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। डीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।